अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कमालगंज नगर पंचायत की साठ गांठ में मिली भगत से ठेकेदार शासन से आए पैसों का कर रहे हैं बंदरबांट। मानक के अनुसार नहीं लगाए जा रहे हैं नालियों पर लोहे व जाल के लाखों रुपए भी कर रहे हैं बंदरबांट। नगर पंचायत ने अपने चहेतों को दिए हैं ठेके, आठ घंटे में नहीं चले सारे जाल उखड़ गए। जनता विरोध कर रही है, नगर पंचायत ने कान में उंगली डाली हुई है। जिम्मेवार मौनपुरा प्रशासन आखिर क्यों है? जहां पर लोगों के टैक्स का पैसा होता है, ये ठेकेदार अपनी मनमानी करके या अधिकारियों से मिली भगत कर लोगों को खराब मटेरियल नालू में लगा देते हैं, जो कि कुछ ही दिनों बाद खराब हो जाते हैं और उसके बाद वो सालों तक ज्यों के त्यों पड़े रहते हैं। अब देखना है कि सरकार अपने अधिकारी या ठेकेदार के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। क्या है यहाँ का मामला? यहाँ का मामला ये है कि ये जाल लगाए गए हैं छोटे जाल में। पहली बात तो जाल छोटे लगे हुए, इसलिए नाली पूरी ढक नहीं पा रही है, उसको लीपा पोती करके सही कर दिया गया। दूसरी बात, ये मोहरों को सीमेंट मानक के अनुसार नहीं लगाए गए हैं, जिस कारण से जाल कल लगाया गया हुआ सुबह उखड़ गया और रोड़े लगाए जा रहे हैं। ये सरासर ठेकेदार की नाइंसाफी है। फरुखाबाद से तौफिक फारूकी की रिपोर्ट, हर न्यूज़ यूपी।